नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। आरजेडी नेता और गढ़वा के रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। दरअसल वे चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि चतरा सीट कांग्रेस के कोटे में है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार बनाए। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह, झारखंड कांग्रेस प्रभारी मीर से की मुलाकात। चतरा लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। माना जा रहा है कि चतरा सीट कांग्रेस के कोटे में है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे दिल्ली संवाददाता अमर जुड़े फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, आरजेडी नेता और गढ़वा के रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक है गिरिनाथ सिंह, जो कि दिल्ली पहुंचे हुए और कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद से मुलाकात की है और वो चाहते हैं कि चतरा लोकसभा सीट से जो वो चुनाव लड़े। क्या कुछ बातें आई सामने मुलाकात के बाद? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो आपको विजुअल में दिख रहा होगा कि गिरिनाथ सिंह आज दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से वो मुलाकात की है। मुलाकात की जो सोर्सेस, ये जो कहना है, वो कहना ये है कि वो चाहते हैं कि चतरा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करे। सवाल उठता है कि जब वो आरजेडी में हैं, अभी दो चार दिन पहले ही आरजेडी को उन्होंने बीजेपी छोड़ करके आरजेडी गए थे और उसके बाद आरजेडी इंडिया गठबंधन में है, तो ऐसे में आरजेडी को अगर नजरअंदाज करके अगर कांग्रेस इनको शामिल करवाया जाता है या फिर उनको टिकट दिया जाता है तो विश्वासघात होगा और इसके जो दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं इस चुनाव से पहले। इसलिए कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि गिरिनाथ को हम बुलाए या फिर इसमें ज्वाइन करवाए या फिर उनको टिकट दे या फिर नहीं दे। इसी पेशोपेश में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है और कांग्रेस चाहती है कि कुछ भी चीजें करने से पहले 100 बार सोचनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल गठबंधन का है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, आरजेडी ज्वाइन नहीं करते, तो कांग्रेस रिस्क लेती और उनका अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस सोच विचार में है और उनको कहा गया है कि मैं पहले अपने अंदर इस पर विचार करता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको कुछ कहूंगा, क्योंकि ये पहली मुलाकात उनकी नहीं है। उससे पहले 3 मुलाकात उनकी और हो चुकी है और लगातार यही कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले आरजेडी से बात कीजिए, उसके बाद अगर एक दूसरा ऑप्शन जो उनको दिया गया है कि अगर चतरा आप लड़ना चाहते हैं या फिर आरजेडी आपके लिए टिकट मांगती है तो हमको जो है पलामू आप छोड़ सकते हैं, तो पलामू हम अपने कैंडिडेट को देंगे। ये तमाम चीजें हैं, उनको उनके सामने ये ऑप्शन रखा गया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही है कि क्या गिरिनाथ सिंह को चतरा से चुनाव लड़ाए या नहीं लड़ाए। अभी कांग्रेस खुल करके कुछ बोलने से बच रही है। बिल्कुल, अब देखते हैं वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बातें आती है सामने गिरिनाथ सिंह को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।